स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। सियासतदान घोषणाएं करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनता को वो हर सुविधाएं देने की बात करते हैं जिनसे उनका नाता है, लेकिन उदासीनता के चलते वो घोषणाएं दम तोड़ देती हैं। जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। इसी मुद्दे पर हम लगातार उठा रहे हैं जनता की आवाज और पूछ रहे हैं सवाल, क्या ये शिलान्यास है या सियासत? एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सरकारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में विद्युत सबस्टेशन का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया गया। वहीं 500 मीटर सड़क निर्माण में जमकर अनियमितता बरती गई, और तो और पीजीआई में मेडिकल कॉलेज का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। विद्युत सब स्टेशन की बत्ती गुल, 2014 में हुआ था उद्घाटन। सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही, 500 की जगह महज 50 मीटर सड़क बनाई। पीजीआई में पैरा मेडिकल कॉलेज का इंतजार। ऊर्जा लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है, बिना ऊर्जा के विकास भी संभव नहीं है, और सरकारें लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने का दावा करती हैं। 24 घंटे बिजली देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की खोखली इमारत कुछ ऐसी होती है। और खबर आ रही है सीएम से मिलने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं खास मंत्रणा के लिए। सीएम से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव, लखनऊ से यह खबर मिल रही है। सीएम से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंच गए हैं और उनसे मुलाकात हो रही है 5 BD मार्ग पर, जहां पर शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच एक बैठक हो रही है। इस बैठक में शिवपाल यादव पहुंचे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे हैं 5 BD मार्ग पर, यह मुलाकात हो रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 BD मार्ग पर शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 BD मार्ग पर शिवपाल यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। तो लखनऊ से खबर मिल रही है शिवपाल सिंह यादव सीएम अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं 5 BD मार्ग पर, 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हो रही है सीएम के साथ शिवपाल सिंह यादव की। हालांकि फौरी तौर पर अभी मुलाकात के कारणों का पता नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ से यह खबर मिल रही है शिवपाल सिंह यादव सीएम अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं 5 KD मार्ग पर यह मुलाकात हो रही है। सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात शिवपाल यादव से हो रही है। अभिनव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या बताया जा रहा है, क्यों ये मुलाकात अहम है? देखिए निशान, मैं बता दूं कि ये मुलाकात जो है बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा जो गतिरोध था पार्टी में, पार्टी को लेकर जो जिस तरह से बैठकें हो रही थी और उसमें गतिरोध बरकरार था। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, लेकिन आज की घटनाक्रम में मैं बता दूं कि दोपहर में लगभग 30 विधायक और 7 मंत्री, जिसमें कि 5 कैबिनेट मंत्रियों ने
शिवपाल सिंह यादव से पार्टी ऑफिस के अंदर मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो गतिरोध हो रहा था, जो बयानबाजी हो रही थी, इस पर बाकायदे चर्चा की कि इस पर पार्टी को नुकसान बहुत ज्यादा हो रही है। आने वाले 2017 के बीच के चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर आपके और मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह से दूरियां अगर बढ़ रही है, इसका पार्टी को खासा नुकसान होगा। लिहाजा मैं बता दूं कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाकायदे सिंचाई मंत्री को बुलाया और अभी जो है पिछले 15 मिनट से जो है ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के अंदर पास कालिदास सरकारी आवास में, जहां पर कि सिर्फ शिवपाल सिंह यादव और मुलायम और इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। जो मुझे विश्वस्त सूत्रों ने जो बताया कि उसमें जो है माहौल के अच्छे माहौल के अंतर्गत में जो है ये बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय जो है शिवपाल सिंह यादव, तो निश्चित तौर पर जो है इसके अलावा आगे जो बहुत सी बैठकें होनी है, रैलियां होनी है, इन तमाम जो घटनाक्रम जो पिछले दिनों हुए हैं, इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर जो है ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही। जी बिल्कुल अभिनव, और जाहिर तौर पर अब सीएम ने यह भी कह दिया है कि बार बार सिफारिशी पत्र ना लिखें हमारे समर्थन में, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो रही होगी शिवपाल सिंह यादव के साथ। देखिए सूत्रों ने जो हमको बताया है उसमें कि जो शिवपाल सिंह यादव जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो उन्होंने इटावा में बयान दिया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरा जो है वो अखिलेश यादव ही होंगे, इस पर भी जो है इस पर गहन जो है चिंतन चल रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री के जो पक्ष में और इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के बीच में जो पत्रबाजी हो रही थी, जिस तरह से जो कल आपने देखा कि एक एमएलसी ने पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पर लिखा कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो एक सौतेली माँ की भूमिका अपना रहे हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, इससे कहीं ना कहीं जो है शिवपाल सिंह यादव निश्चित तौर पर आप थे। हालांकि आज मैं बता दूं कि जो पार्टियों की विधायकों की बैठक हुई है, कुछ विधायक जो 30 के करीब विधायक उनसे मुलाकात किए थे, मुलाकात के बाद उन लोगों ने जो है ये चिंता जताई थी कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि जो लोग मुलाकात किए थे जिसमें कि ओम प्रकाश सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं, इसके अलावा गायत्री प्रजापति, पारसनाथ यादव, शादाब फातिमा, ये ऐसे जो कुछ मंत्री हैं जो कि पार्टी के वरिष्ठ चेहरा है, ओम प्रकाश सिंह जो प्रदेश सचिव भी हैं पार्टी में, तो ऐसे में इन लोगों की मुलाकात के बाद जो है 30 विधायक भी आए थे, उन लोगों ने बाकायदे शिवपाल सिंह यादव से कहा था कि जल्द से जल्द ये गतिरोध दूर होना चाहिए, ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है पार्टी में और 2017 के चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में अगर इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी, लेटर्स का आदान प्रदान होता रहेगा, तो ये एक बड़ा जो है मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। इसी बीच जो है आज इस समय 15 मिनट से जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह यादव की अंदर मुलाकात चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस जानकारी के लिए और इस बैठक के ताज़ा अपडेट के लिए हम आपका फिर से रुख करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 5 खेड़ी मार्ग पर एक अहम बैठक, शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष चिंतित हैं और इन चिंताओं को लेकर वो 5 खेड़ी मार्ग पहुँचे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। दोनों के बीच अहम बैठक पिछले 20 मिनट से जारी है, लखनऊ से यह खबर मिल रही है। दरअसल पार्टी के तमाम समर्थन में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरह से लगातार कंफ्यूज नजर आ रहे थे और समर्थन की बात बार बार की जा रही है, अखिलेश यादव के नाम के बारे में भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो इस दल के नेता होंगे, ये तमाम बातें थीं और उनको लेकर ये चिंताएं जाहिर है, प्रदेश अध्यक्ष इससे चिंतित हैं। मैनपुरी यूं तो उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जिले में शुमार है, साथ ही ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव की इस कर्म भूमि पर लोगों को आज भी विकास का इंतजार है। मैनपुरी के जागीर ब्लॉक में सीएचसी का निर्माण जारी है जिसका काम 2016 दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन हालिया तस्वीर देखने से यह इंतजार अभी और भी लंबा खींचने की उम्मीद है। अधूरा है सीएचसी का निर्माण, दिसंबर 2016 तक पूरा होना था काम। ग्रामीण ने दान की थी 20 बीघा जमीन, कब जनता को मिलेगी सीएचसी की सौगात? सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करती है, उसी दावे को परखने की कोशिश की नेशनल वॉइस की टीम ने। नेशनल वॉइस की टीम मैनपुरी के जागीर ब्लॉक पहुंची,
जहां करीब 374 लाख से ज्यादा की लागत से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। इस सीएचसी का निर्माण कार्य फरवरी 2014 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य दिसंबर 2016 तक पूरा होना था, लेकिन यहां काम की जो रफ्तार देखने को मिली उससे इसके दिसंबर तक जनता को सौंपे जाने पर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सीएचसी का निर्माण कार्य अभी आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सिर्फ दो महीनों में ये निर्माण कैसे पूरा हो पाएगा और कब तक इसे यहाँ की जनता को सौंपा जाएगा। इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिले, इसके लिए काशीराम नाम के इस शख्स ने अपनी भी ओर से कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे एक मिसाल के तौर पर देखा जाना चाहिए। काशीराम ने अपनी 20 बीघा जमीन इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दान में दी। उम्मीद थी कि लोगों की सेवा में उसका भी कुछ योगदान रहेगा, लेकिन अब सीएचसी के निर्माण में हो रही देरी से काशीराम भी दुखी है। काशीराम जी, ये बताइए, आपने इस कितने बीघा जमीन इस सीएचसी को दान दी थी? 20 बीघा। पूरी 20 बीघा? क्या सोच के दान दिया था? अरे यहाँ वाला भारी उन्नत हो जाए, हमारे क्षेत्र की मतलब हो जाए ना, सुविधा हो जाए हम लोगों के लिए। किस तरीके की सुविधा को देखते हुए आपने दान दिया था, मतलब क्या सुविधा चाहते थे आप? हम ये सुविधा चाहते थे कि मतलब यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों क्षेत्रवासियों को मतलब ये सुविधा, यहाँ मैनपुरी जाना पड़ता हम लोग परेशान। कितनी दूर पड़ता है मैनपुरी? मैनपुरी यहाँ से 12 किलोमीटर। तो अपने इलाके के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिले और उन्हें इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े, ये सोचकर एक ग्रामीण ने अपनी जमीन तक दान दे दी। सरकारी सिस्टम पर इससे बड़ा तमाचा भला और क्या होगा कि आज उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि जो सपना इलाके के लोगों को दिखाया गया अब तक वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार से जो पैसा इसके निर्माण के लिए आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, तो ठेकेदार भी निर्माण कैसे कराए? मंदरा था, ऊपर से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट के यहाँ से, तो ठेकेदार कहाँ से करा दे, वहां से पैसा नहीं आ रहा है निकल के, तो ये सीधी अधूरा पड़ा हुआ है। इस कार्य को तो अगर तीसरा साल है, पिछले साल में यहाँ काम कर गया हूँ, ऊपर वाले तीसरा पिछले साल में काम कर गया हूँ सन 2015 में, और फिर दोबारा हूँ 16 में आया हूँ, पिछला 15 का भी पैसा अभी तक नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, इस सीएचसी के निर्माण के साथ ही लोगों को अपनी रोजी रोटी की भी उम्मीद जगने लगी थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी धूमिल होने लगी है। साथ ही स्थानीय लोग भी अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर अपनी आस छोड़ चुके हैं। उस टाइम तो केवल यही सोच के आए कि जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हमारी जो मतलब रोजी रोटी है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। इस वजह से हमने तो मतलब लगभग मेरे को भी यहाँ 2 साल हो गया है मेडिकल स्टार्ट किए हुए, लेकिन अभी तक इस हॉस्पिटल का हमें तो लग नहीं रहा कि ये स्टार्ट हो भी पाए। बहुत दिनों का ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये ठेकेदार लोग बता रहे हैं यहाँ पैसा नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग चाहते थे कि ये जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। बाजारे तक बाजार हम जाते 12 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से मेडिकल अस्पताल, वहाँ पर जो मरीज को ले जाते खत्म हो जाता, हमने कहा यहाँ सुविधा मिलेगी कुछ, ये चालू नहीं हो पा रहा। जागीर ब्लॉक की जनता ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। लोग इसके लिए सरकार को दोषी मान रहे हैं, क्योंकि अगर वक्त पर ये सीएचसी शुरू हो जाता तो चुनाव में सरकार को इसका फायदा भी मिलता, लेकिन शायद ऐसा होता दिख नहीं रहा। संजय शर्मा, नेशनल वॉइस, मैनपुरी। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने 2006 में बायोटेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं को सुविधा देने के लिए छात्रावास पर 3 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन अब करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही यहाँ बना मत्स्य विभाग अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। कानपुर वासियों के लिए आज का दिन एक बार फिर खुशी की सौगात लेकर आया है। घाटमपुर के सजेती स्थित यमुना घाट पर 1980 मेगावाट पावर प्लांट का दोबारा शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। साथ ही पावर प्लांट का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद पीयूष गोयल ने इस प्रोजेक्ट में देरी के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को दोषी ठहराया और जमकर हमला बोला। आज धरातल पे काम शुरू करने आया हूँ। 2012 में जो शिलान्यास रखा गया वो मात्र जनता को भ्रमित किया गया है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय का कार्यक्रम, 2012 का कार्यक्रम मात्र जनता को भ्रमित किया गया, ना कोयले का ब्लॉक का फाइनल एलोकेशन किया गया,
ना कैबिनेट द्वारा यहाँ की इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल हुआ, ना तभी जमीन इस प्रोजेक्ट के हाथ में थी। मैंने जैसा अभी बताया, तभी सिर्फ मात्र 73 करोड़ रुपए 73.65 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको बता दें कि इस पावर प्लांट की आधारशिला 12 जून 2012 को यूपीए सरकार ने रखी थी, लेकिन अब तक ये योजना ठंडे बस्ते में थी, जिससे यहाँ के लोग भी काफी आहत हैं और ऐसी योजनाओं को राजनीतिक फंडा बता रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, कम से कम इसे 4 साल हो गए। 4 साल जब कांग्रेस की सरकार हुई थी तब से यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ। ये समझो को आते हैं और जितने भी अधिकारी या मान लो मंत्री लोग जितने भी आए अपना काम करके चले गए, लेकिन उस तरीके से काम होना चाहिए ऐसा कोई हमें समझ में नहीं आ रहा। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में शामिल हुए अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2012 में ये पावर प्लांट का शिलान्यास रखा गया और 4 साल कैबिनेट की मंजूरी हुई है, आज इसका दोबारा शिलान्यास किया गया। सांसद जी क्या कहेंगे आप, क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं जो आज इसका 2012 में इन लोगों ने इसका शिलान्यास किया था, वो उनका राजनीतिक तौर तरीका था, आगे चुनाव आने वाला था। 2012 में जो शिलान्यास हुआ है तो 73 करोड़ रुपया जारी किया उन्होंने, जबकि 18,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ना तो कोयला कराया था, ना एनवायरमेंट कराई थी, ना जमीन थी। 73 करोड़ रुपए में जमीन भी नहीं मिल सकती थी, केवल उनका राजनीतिक हथकंडा था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नौजवान ऊर्जावान नेता ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी पूरे देश में रोशनी देना चाहते हैं, उसी रोशनी को देने के लिए ये बुंदेलखंड से सटा जो हमारा अकबरपुर लोकसभा और घाटमपुर क्षेत्र है, इसलिए शुरुआत की। और अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा कि 2019 तक इसकी शुरुआत यहाँ से उत्पादन होकर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। अच्छा, कांग्रेस ने सीधा सीधा सा आरोप लगाया आप लोगों पर कि हमने जो किया उसका सिरे उठाने की कोशिश की बीजेपी। उनसे ये पूछो जा करके कि तुम्हारी तो आप कोयला मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने केवल यहाँ भूमि पूजन, हमने भूमि पूजन नहीं किया, हमने काम की शुरुआत की है। ये थे कानपुर अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले। इनका साफ तौर पर कहना था कि 2012 में जिस तरीके से पावर प्लांट का लोगों को भ्रम फैलाया गया, लेकिन हमारी सरकार में 2019 तक इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से कर लिया जाएगा और हर घर घर में बिजली देने का सपना साकार किया जाएगा। सुमित अवस्थी, नेशनल वॉइस, कानपुर। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने 2006 में बायोटेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं को सुविधाएं देने के लिए छात्रावास पर 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, लेकिन अब करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही यहाँ मत्स्य विभाग अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। सरकारी उदासीनता क्या होती है, इसकी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसी फेहरिस्त में शामिल यह है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय, जहां देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन यहां लापरवाही का आलम यह है कि करोड़ों खर्च करने के बाद यहाँ छात्रावास का निर्माण अधर में लटका है। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से 2 छात्रावास बनने थे, जिसमें एक छात्रावास तो 2 साल में बनकर तैयार हो गया, लेकिन दूसरा अब खंडहर बनने की कगार पर है। जंगल के बीच में ये जो निर्माण आपको नजर आ रहा है, यही वो छात्रावास है जहां छात्रों के रहने की व्यवस्था होनी थी। लेकिन अब ये देखिए, चारों ओर से झाड़ियों से ढक चुके और आधे अधूरे छात्रावास में भला कौन रहेगा। कल तक जिस बुनियाद पर भविष्य की इमारत खड़ी होनी थी, वही इमारत अपने ही भविष्य को लेकर दुविधा में है। हाल ऐसा हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इस अधूरी बिल्डिंग का निर्माण पूरा भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस छात्रावास का काम 2006 से अधूरा पड़ा है, जिसके अब पूरा होने की उम्मीद रत्ती भर भी नजर नहीं आती। हालांकि नेशनल वॉइस की टीम ने 10 साल से चले आ रहे कभी न खत्म होने वाले इस इंतजार के बारे में विश्वविद्यालय के संपत्ति अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र से बात करने की कोशिश की, तो साहब ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
सिर्फ यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय में मत्स्य विभाग की बिल्डिंग का 2006 में तत्कालीन कुलपति आरडी अग्रवाल ने शिलान्यास किया था, जिसकी गवाह ये शिलापट है। और तो और शासन की ओर से करीब 5 करोड़ रुपए आए और 2010 में इसका निर्माण पूरा भी हो गया, लेकिन रंग रोगन से सजी ये बिल्डिंग फिलहाल देखने भर की है। यहाँ 2010 से ही ताला लटका हुआ है और अब ये बिल्डिंग अपने उद्घाटन को लेकर शासन के नुमाइंदों की बात जोह रही है, क्योंकि शासन की ओर से स्टाफ न भेजने के कारण इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो सका है और सालों से बंद पड़ी इस बिल्डिंग में गंदगी का अंबार लगने लगा है। कहीं एक दिन ऐसा ना आए कि ये खूबसूरत सी दिखने वाली बिल्डिंग एक दिन खंडहर में तब्दील हो जाए। मथुरा के वेटनरी कॉलेज में 2006 में इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। ये वह बिल्डिंग है जहाँ पर मत्स्य विभाग के नाम से जानी जाती है। इसका शिलान्यास जो 2006 में जो कुलपति थे उन्होंने किया था। अब इसे देख सकते हैं, इसकी स्थिति अब लगभग 10 साल हो गए हैं। इसको 2006 में से बनी थी, इसकी बिल्डिंग की हालत को देख सकते हैं, इतनी अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ। उद्घाटन के कारण ही ये बिल्डिंग अभी बंद पड़ी हुई है। शासन से 2006 में लगभग 5.25 करोड़ रुपये की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ उद्घाटन की वजह से ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं शासन का जो पैसा है उसका कितना दुरुपयोग होता है। और ये बिल्डिंग जो एक सिर्फ सफेद हाथी बनी हुई यहाँ पर खड़ी हुई है। लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन इस तरह के सरकारी निर्माण अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनका इंतजार आज भी लगातार जारी है। सौरभ गौतम, नेशनल वॉइस, मथुरा। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कांशीराम आवासीय योजना एसपी शासन काल में जमींदोज हो गई। गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत घर तैयार कर लाभार्थियों को बांटे गए, लेकिन सरकार बदलते ही गरीबों को मिलने वाले ये आवास अब खंडहर में तब्दील होने के कगार पर हैं। गरीब आज भी झोपड़ियों में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। कैसे गरीबों को मिलेगा आवास? नहीं सुनी जा रही उनकी फरियाद। कांशीराम आवासीय योजना हुई बेहाल। गरीबों को आज भी आशियाने का इंतजार। ये तस्वीरें देखिए, गरीबी का हमारे देश में क्या आलम है, उसे ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। गरीबी हमारे देश के लिए अभिशाप की तरह है। गरीबी वो है जिसमें लोग इस तरह के मिट्टी से बने घरौंदे में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। ना रहने का सही ठिकाना, ना खाने की व्यवस्था, जिंदगी यूं ही इस झोपड़ी में कट रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, ये इन गरीबों की उम्मीद थी जिसके दम पर इन्होंने भी सपना सजाया था कि उनके भी सिर पर एक छत होगी। दुर्भाग्य से ये बिल्डिंग इन गरीबों के लिए तैयार तो हुई, लेकिन बदकिस्मती से इसके अंदर रहने का सुख ये बेचारे नहीं भोग पाए और सालों से खाली पड़ी इस बिल्डिंग की दरों दीवार अब दरकने लगी है। यहाँ खिड़की दरवाजों में जो गेट लगे होते थे वो उखड़ गए हैं। कमरे की दीवारों से लापरवाही की दरारें अब नजर आने लगी है और ये हालात सिर्फ राजनीति के चलते पैदा हुए हैं। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो कॉलोनियां बनाई गई थी काशीराम, उसको रोक दिया गया है। दरअसल पूर्व की बीएसपी सरकार ने गरीबों को आशियाना देने के लिए प्रदेश के कई जिलों में कांशीराम आवासीय योजना शुरू की थी।
कौशाम्बी भी उन जिलों में शुमार था जहां गरीबों को ये सरकारी फ्लैट मिलने थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद गरीबों के अरमान भी धूमिल हो गए। कौशाम्बी के अजुहा और सिराथू कस्बे में कांशीराम आवासीय कॉलोनी 24 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से आवास विकास परिषद ने बनवाई थी, जिसके तहत अजुहा में गरीबों के लिए 600 आशियाने बनकर तैयार हैं। ठीक इसी तरह सिराथू में 400 आशियाने गरीबों के लिए बने हुए हैं। इस तरह से दोनों कस्बों में 1000 आशियाने इस इंतजार में हैं कि लोगों के साथ साथ इनके भी दिन बहुरे। बहन जी ने जो आवास बनाए थे उनका मकसद था कि जो उत्तर प्रदेश में गरीब तबके के लोग हैं उनको कांशीराम कॉलोनी अलॉट किए जाएं, लेकिन सरकार ने राजनीति के तहत उन कॉलोनियों को न देके लोहिया आवास बना के गरीबों को छोड़ के पैसे वालों को ही अलॉट कर रहे हैं, जिससे वो कॉलोनियां आज जर्जर रूप में हो चुकी हैं। अकेले कौशाम्बी जिले में ये हाल है कि तैयार खड़े 1000 फ्लैट बसावट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जरूरतमंद भी कभी इन कॉलोनी तो कभी प्रदेश सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उन्हें इस कॉलोनी में रहने का मौका मिले। लेकिन बीएसपी सरकार की ये योजना एसपी सरकार में फिलहाल जिंदा होती नहीं दिख रही। झोपड़ी व कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों का पक्की छत का सपना सपना ही रह गया। बसपा शासन काल का ड्रीम प्रोजेक्ट कांशीराम आवासीय योजना 5 साल से बनकर तैयार है, लेकिन सपा के शासनकाल में यह राजनीति का शिकार हो गया है। जिन कस्बों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार है उन्हीं कस्बों में गरीबों का सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो कैसे कैसे सड़क किनारे झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2012 में बनकर तैयार हुई ये कॉलोनियां बस शोपीस बनकर रह गई हैं। सूनी पड़ी कॉलोनियां अब रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रही हैं। पार्क में बड़ी बड़ी घास उगाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जनता के ही टैक्स का पैसा जनता की सुविधाओं के लिए लगाती है, लेकिन उसी पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। राजनीतिक विरोध के चलते न केवल गरीबों को उन सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है जो उन्हें मिलनी चाहिए, साथ ही जनता की गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल रही है। अगर जल्द ही इन कॉलोनियों का आवंटन नहीं किया गया तो इन्हें खंडहर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। 5 साल बीत गए, लेकिन गरीबों को आवंटित होने वाले कांशीराम आवासीय कॉलोनी आज भी आवंटन की बाट जो रहे हैं। हालत यह है कि कॉलोनी के दरवाजे जंगले खिड़की उखड़ गए हैं, लेकिन यह किसी को आवंटित नहीं किए गए। गरीब आज भी मजबूरन कच्चे व झोपड़ी नुमा मकान में रह रहे हैं। शिवनंदन साहू, नेशनल वॉइस, कौशाम्बी। जय हिंद। जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।